पाकिस्तान भारत से वर्ल्ड कप में हारा और अब ऑस्ट्रेलिया से हार गया, और इससे क्या होगा, पाकिस्तान में बाबर आजम को खूब जम के गरियाया जा रहा है, और गरियाना भी शायद स्वाभाविक है क्योंकि बाबर आजम को अब जिम्बाब्वे कर क्या बोल रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ चलते हैं, कमजोर टीमों के खिलाफ चलते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम चल नहीं पाते हैं। और ये सत्य भी है, अगर उनका एवरेज देखा जाए बड़े टूर्नामेंटों में प्रेशर में खेल नहीं पाते, और तुलना किससे हो रही थी उनकी, विराट कोहली से, द ग्रेट ऑल टाइम विराट कोहली से, और विराट कोहली ने जो प्रेशर में कैसा खेलते हैं दुनिया जानती है, लेकिन बाबर आजम टाइम टाइम फेस हो जाते हैं। अब बाबर आजम के फैन पाकिस्तान के लोग गरिया रहे हैं, गरियाना स्वाभाविक भी है, लेकिन जिस तरीके से नंबर वन की ओडीआई रैंकिंग उन्होंने हासिल कर ली उसका क्या, कोई अच्छा प्लेयर ही तो दुनिया का नंबर एक जो है बल्लेबाज बन सकता है। तो भाई साहब पाकिस्तान के लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में मैच होता है पाटा पिच बनाते हैं, उसमें कमजोर टीम बुलाते हैं, या कोई मजबूत टीम अगर नहीं जाती तो उनकी ए या बी टीम बुला लेते हैं और उस पे जम के खेलते हैं तो रन बना लेते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, अफगानिस्तान को बुला ले, मतलब किसी भी ऐसी टीम को बुला, न्यूजीलैंड जब गई थी तो उनकी लगभग बी ही टीम थी, तो ऐसी टीमों को बुला लेते हैं और खूब जम के कुटाई कर देते हैं, और जैसे ही बड़ी टीमें आती हैं बढ़िया गेंदबाज आते हैं उनके सामने तो उनकी हालत खराब हो जाती है। आपको क्या लगता है बाबर आजम पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं सही है या गलत, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।